हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी भाभी की लड़की के पैरों में पेडीक्योर। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से हम ये पेडीक्योर करके आपको दिखाएंगे, जो कि हमें बाजार से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। घर की ही चीज़ों से हम पेडीक्योर करेंगे। और पैर तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छा पेडीक्योर हमने किया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी हम बताएं वो वैसे आप कीजिए। आप देखिए आपके पैर कितने सुंदर हो जाएं। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले लेना है गुनगुना पानी है। अब हम इसमें वो इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो हमारे घर के किचन में ही मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे शैम्पू। तो शैम्पू ये झाग बनाने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 पैकेट शैम्पू डाल दिया है। तो अब डालेंगे हम इसमें नींबू। तो नींबू को निचोड़ कर हमने इसी में ये नींबू के छिक्कल भी डाल दिए हैं ताकि इसमें और भी अच्छा असर आए। ये विटामिन सी होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सोडा। मेरे पास ब्लीच पाउडर था नहीं, वैसे तो ब्लीच पाउडर भी पड़ता है इसमें, तो हमने सोडा डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हमने इसमें पैर 15 से 20 मिनट तक हमें पैर रखने हैं इसमें पानी में, और इन पैरों को हम हिलाते रहेंगे हल्का। तो फ्रेंड्स, अब तक हम स्क्रब तैयार कर लेते हैं। तो स्क्रब के लिए हमने 2 चम्मच ये चावल को हल्का सा दरदरा पीस लिया है और इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लिया और 1 चम्मच हनी। तो इसको तीनों को मिक्स करके हम स्क्रब तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा घर का स्क्रब है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा स्क्रब बन गया। ये आप अपने चेहरे में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्क्रब बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, 20 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए आप पैर देखिए। फ्रेंड्स, पैर में कितनी चमक आ गई है। जितनी डेड स्किन थी, जितनी भी गंदगी थी, सब निकल चुकी है। तो अब हम पैरों को अच्छे से पानी से धोकर इन्हें पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इनमें ये जो नेल पेंट लगी है, अब हम इसको हटाएंगे। तो हमने थिनर ले लिया है, थिनर से हम नेल पेंट हटाएंगे। गाइज, ये बहुत ही अच्छा पेडीक्योर होता है घर का हमें। और बाहर आप मार्केट में जाएंगे पेडीक्योर करवाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 हज़ार रुपये ले लेते हैं बिना मतलब के। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घर का पेडीक्योर है, इसी से हम अपने पैरों को साफ करेंगे। तो उसमें जो नींबू पड़ा था, उस नींबू से हमने सबसे पहले पैरों को और अच्छे से उस नींबू से रगड़ कर साफ कर लिया है। इसके बाद हमने जो स्क्रब बनाया था उससे पैरों को अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम नेल्स साफ कर रहे हैं। तो जो नेल कटर में टूल्स होते हैं अंदर, उन्हीं से हम ये नेल्स की गंदगी निकालेंगे पैरों के अंदर से। तो देखिए फ्रेंड्स, किनारे किनारे कितनी गंदगी होती है, अच्छे से हम निकाल कर साफ कर लेंगे। इसके बाद अब फ्रेंड्स हम इसमें करेंगे क्रीम से मसाज। तो हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया। इस बेसन में हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे और दही मिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये पैक का और क्रीम का दोनों का काम करेगा। तो इससे हम पहले मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हल्का सा इसको सुखा कर फिर इसको अच्छे से धोएंगे। तो आप देखते रहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हमने पैरों को पानी से धुल लिया है और आप पैर देख सकते हैं कितने अच्छे पैर हो गए। देखिए कितनी हर एक गंदगी निकल गई, बिल्कुल साफ हो गए। ये देखिए, हमने अब इनको अच्छे से तौलिया से पोंछ लेंगे पैरों को। और अब हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेंगे या वैसलीन वगैरह आपके पास जो भी है वो लगा लें। और अच्छी सी सुंदर सी नेल पेंट लगाकर पैरों को सुंदर बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। लव यू फ्रेंड्स, टाटा।